दोस्तों, खाना खाने के बाद उनकी टट्टी कैसे बनती है और हमारा खाना पचता कैसे है, हमारा खाना पच रहा है या सड़ रहा है कैसे पता करें? दोस्तों, एनर्जी से ही हमारी पूरी बॉडी काम कर पाती है और एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से ही हम फूड का एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम तो सिर्फ खाना खाते हैं और वॉशरूम जाकर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। डाइजेशन तो खाना खाने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब हम खाने के बारे में सोचते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी नहीं होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। जब हम खाना चबाते हैं तब दांत की मदद से हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और साथ ही खाना और सलाइवा मिक्स हो जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं और रिलीज भी करते हैं। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का डाइजेशन मुंह के अंदर ही शुरू कर देते हैं, और सलाइवा की मदद से खाना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, जिससे ये फूड पेट में आराम से जा पाता है। इस चबाए हुए खाने को बोलस कहते हैं और जुबान बोलस को गले में ढकेल देती है। गले में दो रास्ते होते हैं, एक लंच का रास्ता और दूसरा पेट का रास्ता। अब बोलस को यहाँ से जाना होता है पेट में, पर दो रास्ते होने की वजह से बोलस लंग्स में भी जा सकता है और पेट में भी जा सकता है। अगर बोलस लंग्स में चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है, और यही काम आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस दरवाजे जैसा होता है जो हवा की नली पर लगा होता है। वैसे तो एपिग्लॉटिस हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तब एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, और तब खाना या पानी हवा की नली में नहीं जा पाते हैं और इस तरह बोलस फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप को ईसोफेगास भी कहते हैं। फूड पाइप 25 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है और फूड पाइप अंदर से इलास्टिक जैसा होता है, और इसी वजह से फूड पाइप बोलस को पेट में ढकेल पाता है, और सलाइवा की वजह से बोलस बिना अटके फूड पाइप से आसानी से गुजर पाता है। फूड पाइप के एंड पर कुछ मसल्स लगे होते हैं जो फूड को यानी बोलस को वापस फूड पाइप में जाने से रोकते हैं। इन मसल्स को LES लोअर ईसोफेगास स्फिंक्टर कहते हैं। जब LES रिलैक्स हो जाते हैं तब बोलस पेट में आ जाता है। पेट में पहुंचने के बाद बोलस की पिटाई शुरू हो जाती है। हमारा पेट खाने को सिर्फ होल्ड नहीं करता है, बल्कि एक ग्राइंडर की तरह फूड को पेस्ट में बदल देता है, और इसी इलास्टिक पावर की मदद से स्टमक फूड को पेस्ट में बदल पाता है। स्टमक अपनी इलास्टिक पावर से फूड को इधर उधर ढकेलता है, जिसके कारण फूड पेस्ट में बदल जाता है, और पेट में एसिड भी होता है, और वो एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, HCl बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और पेट के मसल्स को HCl से बचाने के लिए पेट में म्यूक्स रिलीज किया जाता है, जो HCl को पेट के मसल्स के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है। HCl का काम होता है फूड को डाइजेशन के लायक बनाना, और दूसरा काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। HCl के कारण पेप्सिन एंजाइम बन पाता है, जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है, और फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी पेप्सिन की वजह से मर जाते हैं, और फिर दूसरा एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने लायक बनाते हैं। तो पेट में फूड 6 से 8 घंटे के लिए रहता है, और इन 6 से 8 घंटे में फूड लिक्विड में बदल जाता है। इस लिक्विड को काइम कहते हैं। तो काइम 6 से 8 घंटे बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय काइम बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है। बाइल जूस बनता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाइल जूस फैट्स को ब्रेक करता है। बाइल जूस कलर में ग्रीन होता है, जिसके कारण काइम का कलर भी ग्रीन हो जाता है, और पैनक्रियाटिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। तो इस तरह विलाई की मदद से हम फूड से एनर्जी ले पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद काइम चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक आते हुए काइम से लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स खून में चले जाते हैं, और इसीलिए काइम का कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ब्राउन काइम में अभी भी कुछ न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी मदद करते हैं माइक्रोब्स बैक्टीरिया। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर जितना लंबा होता है, और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन पर बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं।
जो काइम से बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचते हुए काइम से सभी न्यूट्रिएंट्स और पानी निकाल लिए जाते हैं और अब ये काइम बदल जाता है स्टूल में यानी टट्टी में, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टूल यानी टट्टी पर म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि टट्टी आसानी से बाहर निकल पाए। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड बहुत ही धीरे डाइजेस्ट होता है और इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए 30 से 40 घंटे लगते हैं। फिर 30 से 40 घंटे बाद स्टूल चला जाता है रेक्टम में, जो कि टट्टी को स्टोर करता है। और जब रेक्टम भर जाता है तब हम वॉशरूम जाकर उसे खाली कर देते हैं, तो इस तरह फूड डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है।